हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप दही से अपने चेहरे को कैसे स्क्रब कर सकते हैं, कैसे अपनी डल मुरझाई हुई स्किन को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्किन से व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव करके अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी होममेड स्क्रब से। उसके लिए एक बाउल में एक चम्मच दही और एक चम्मच शुगर डाल देना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। इतना ज़्यादा मिक्स ना करें, नहीं तो चीनी दही के अंदर ही मेल्ट हो जाएगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अपने साफ सुथरे फेस पर इसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन भी बहुत ही सिंपल है। इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में उठाना है और अपने फेस पर जेंटली रफ करना है। स्क्रब करने से हमारी स्किन की जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, हमारे फेस पर ग्लो आ जाता है। स्क्रब आपको 2 से 5 मिनट करना है ताकि दही जो हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और जो शुगर हमने डाली है वो अच्छे से हमारी स्किन पे मेल्ट हो जाए। हमारी स्किन में अच्छा सा शाइन आ जाता है, ग्लो आ जाता है। ये स्क्रब आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। इस स्क्रब को वीक में 2 बार करने से ना तो आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स होंगे ना व्हाइट हेड्स होंगे और आपकी स्किन में हमेशा ग्लो रहेगा, आपकी स्किन यंग रहेगी। हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, जैसे हम स्क्रब करते हैं नोज के आसपास, माउथ के अराउंड। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी और बहुत सारी मज़ेदार वीडियो के लिए। 2 से 4 मिनट स्क्रब करने के बाद आपको 5 मिनट ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी की हेल्प से वॉश अप कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने फेस को वॉश करके आ गई हूँ। आप देखें, मेरे नोज पर, मेरे चिन पर एक भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं है, क्योंकि ये स्क्रब मैं वीक में 2 बार ज़रूर करती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक आके नीचे कमेंट में मुझे शेयर करना। स्क्रब से पहले और स्क्रब के बाद मेरी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो गई है। वीडियो ज़रा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।